गौरी कंटिन्यू करें आगे। हाँ। चलो। अरे संभालो, क्या हुआ? क्या गौरी, मुझे देख के तुम्हारा ये हाल हो जाता है। शिव, क्या कर रहे हो तुम? वही तो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए यार। प्यार और वार में सब जायज है। क्यों गौरी? गौरी तुम डांस पे ध्यान दो, इसके बातें मत सुनो। चलो चलो, लेट्स डू दिस वन। वन टू। क्या हुआ? अब वो मेरे पैर वो चले करें अभी, हो गया? चलो वन टू। क्या बात है गौरी? वो कुछ नहीं, वो दुपट्टा लूज हो गया था। मैं सब हो गया ना, अभी फाइनल वाला टर्न ट्राई करते हैं, ठीक है? चलो गौरी, क्या बात है बताओ। एक्चुअली अभी रहेजा जी की ट्रिक काम नहीं आई। क्या मतलब? और नहीं तो क्या यार, तुम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए साथ में? जूस पीने गए, शर्ट खरीदने गए, खाना खाने गए, नूडल्स खाने गए, कहाँ कहाँ तो तुम गए। लेकिन कुछ चीजें नामुमकिन होती है यार, नहीं होती, वो पॉसिबल ही नहीं। अब सोचो, तुम्हारी पार्टनर पे तुमसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो मेरा है। अब सोचो, अभी से यह हाल है तो कंपटीशन में क्या होगा? अभी मनियू मुझसे नहीं होगा। अरे गौरी प्लीज, मुझसे नहीं होगा। उस पे ध्यान मत दो गौरी, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इग्नोर हिम। मैं जानती हूँ अभी मनियू, पर मुझसे परवर कुछ नहीं यार। तुम डांस पे ध्यान दोगी? इतनी अच्छी डांसर, तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो। एक सेकंड, मैं आता हूँ गौरी। हाय बेबी। यार गौरी, तेरा पार्टनर तो कमाल है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था जो तुझे ऐसे छोड़ के चला गया बीच में? तुझसे क्या छुपा रहा है? कहीं उसका किसी के साथ? Just shut up, शिव। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, और प्लीज अपनी सोच अपने पास रखो। ओके। गेस करो कौन? मैं तो तुम्हें 10 किलोमीटर दूर से भी गेस कर सकता हूँ डार्लिंग। यू आर सो प्रिटी। कैसे हो? फिट एंड फाइन। यू नो व्हाट, जब तुम यहाँ नहीं थी ना, मैं बुरी तरह से बोर हो गया था। थैंक गॉड तुम आई। सो किसको डेट कर रहे हो आजकल? है कोई तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं? सच में? और बाय द वे, ये क्या पहना है तुमने? तुम्हें पसंद नहीं आया? तो मुझे भी ये पसंद नहीं आया। ठीक है तो मैं चेंज कर लूंगी। तुम बाल भी चेंज करो, मुझे ये भी पसंद नहीं आया। हाय हाय, अब क्या होगा हमारी गौरी का? क्या होगा गौरी से जुड़े हमारे सपनों का? और इस गंजी भी अच्छी लगी ना। कुछ सोच कमला, इसके पहले कि अभिमन्यु हमारी गौरी को छोड़ दे, हमें ना सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, और अपने दिमाग को भी ना ठंडा ठंडा कूल रखना पड़ेगा। चलो भैया। चूहे मारने की दवा भी चाहिए, हाँ साथ साथ रस्सी बांधने के लिए स्टूल भी चाहिए होगा। चूहे मारने की दवा, रस्सी और स्टूल? नहीं गौरी, तो आई थिंक सुसाइड करने का प्लान करी है। ये सब तेरी वजह से हुआ है तुलिका। तुझे गौरी की प्राइवेट बातें शिव तक नहीं पहुंचानी चाहिए थी। अब क्या करूं? अब गौरी, अब गौरी तुम गुस्सा हो? हाँ बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि मन कर रहा है कि मार ही डालूं। लेकिन मैंने तो सॉरी बोल दिया ना, और तुम उसके बाद भी ऐसे माना मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे शिव को तुम्हारी प्राइवेट बातें नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसके लिए तुम्हें सॉरी बोल दिया ना, तो फिर तुम ये चीजें लेकर कहाँ? नहीं तो लेकर, ये बहुत टाइम से पेंडिंग था, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, सबकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती। नहीं गौरी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती, प्लीज ऐसा मत करो लास्ट टाइम, प्लीज। तो लेकर हो क्या गया है तुझे? प्लीज अपना प्लान कैंसिल कर दो। तुझे चूहों से कब से प्यार हो गया?
चूहों से। I hate चूहांस। तो फिर प्लान कैंसिल करवाने के लिए क्यों बोल रही है? तुम चूहे मारने जा रही हो? और नहीं तो क्या? तुझे क्या लगा? नहीं, मुझे वो तो लिखा, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे मार्केट जाना है, मेरे को सामान लेना। बाय। गौरी, गौरी, अरे रुक ना, कहाँ जा रही है? हमें ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं भाभी प्लीज, इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है और वैसे भी मेरा दिमाग ना ब्लास्ट होने वाला है। झूठ कहे तो कहो गौरी, अगर तुझे हमने बात बता दिया ना तो दिमाग के साथ साथ तेरा दिल भी ब्लास्ट हो जाएगा। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। गौरी वैसे तू जा कहाँ रही है? अच्छा तू ना ये हमें दे दे, हमें जो देखना था वो तो हमने देख लिया, कहीं तू भी ना देख ले। क्या कह रही है भाभी आप? मुझे बाहर जाके सामान लाने, मैं जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। गौरी ठीक है जा, ऑटो से बाहर मत देखना। भाभी तू क्या, तू लिखा तू भी ना हमेशा मुझे डरा देती है। मैं कहा डरा, तो आप मुझे रही है। आप गौरी से क्या बोले जा रही थी, क्या इम्पोर्टेंट बात है मुझे भी बताओ। हाँ तो पता नहीं पड़ेगा, पेट में बात बच भी तो नहीं रही है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है मेरे पेट में। चल हम ना तुझे ही बता देते हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, बैठ के बताओ। झूठ कहे तो कहो तुलिका, पर तू ना किसी और को बता नहीं सकती है, समझ गई? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? अच्छा ना, प्लीज अब बताओ ना मुझे भी। हाँ हाँ चल बता ही देती हूँ। अपने कान ना इधर ला। सच में? तुझे क्या अपनी भाभी की बात पे भरोसा ही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुझे क्या लगता है कि तेरी जो भाभी है वो राई का पहाड़ बना देती है? अब आप राई का बनाओ या जीरे का बनाओ, अगर आपकी बात सच हुई ना तो गौरी तो सच में हेलो शिव, क्या तुम्हें भी पता चल गई ये बात? कौन सी बात? नहीं कुछ नहीं, तुम बोलो। अरे बता ना कौन सी बात। नहीं पहले तुम बताओ कि तुमने मुझे फोन क्यों किया। लैपटॉप चाहिए ना, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, सर्विस सेंटर भेजा, सर्विस कराने के लिए कॉल किया था, टाइम लगेगा। पहले तू बता कि तू कौन सी बात के बारे में बात कर रही। नहीं ऐसी बातें फोन पे नहीं बता सकती मैं। क्यों, फोन पे सुनाई नहीं देगा? नहीं सुनाई तो देगा, लेकिन तुम सोचो अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी और बीच में तुम्हारे फोन की बैटरी चली गई और तुम्हें ये बात पूरी पता नहीं चल पाई और फिर तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया और फिर मेरा कार का टायर पंचर। नहीं नहीं या, या, मुझे जानना ही नहीं है, नहीं जानना। ओके ओके, लेकिन मुझे तो बतानी है ना, नहीं तो फिर मेरे भी पेट में दर्द होगा भाभी की तरह। यह तो ठीक हो गई अब। कमला भाभी को भी पता है, ऐसी कौन सी बात है, बताना यार बताना। ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मुझे रिहर्सल हॉल पर मिलो, ठीक है? मैं वहीं आके तुम्हें बताती हूँ। ओके सुन, लैपटॉप लेकर आना। ओके ओके बाय बाय। ओए ऐसी कौन सी बात है यार जो फोन पर नहीं बता सकती। पागल तो लिखा। तो लिखा तुमने म्यूजिक क्यों बंद किया है? क्योंकि मुझे तुम्हारी डांस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है शिव से। शिव ये क्या है, ये प्रैक्टिस का टाइम है और मेनका को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका टाइम कोई वेस्ट करे। ओके अच्छा आज तक तुलिका ने किसी का वेट नहीं किया, समझ आई? तुलिका लिसन ओके। एक मिनट तुलिका को ना मुझसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, स्पेशली घर से आई है, छोटी सी बात है, प्लीज करें तो ना, करें ना। हाँ तुलिका। हाँ नहीं यहाँ नहीं, प्राइवेट में। चलो बेबी। Thank you.
कार का शीशा बंद कर गए, चिपक चिपक के कुछ कुछ। कमीनू, कुछ मुझे भी बताएगा क्या चल रहा है? अबे बताना क्या है, अभिमन्यु का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। वो कार के अंदर खिड़की बंद करके, आई मीन कांच बंद करके, शीशा ऊपर चढ़ाकर लड़की के साथ चिपक चिपक के। वाह, कहा था ना मैंने, गौरी के लिए सही लड़का नहीं है वो। शिव, ये किसी को नहीं बोलना था, भाभी से मैंने प्रॉमिस किया था। अभी तो शिव को बताया ना। हाँ, तो जब मैं भाभी से प्रॉमिस कर रही थी तो मैंने एक फिंगर क्रॉस कर ली थी, मींस कि मैं सिर्फ एक पर्सन को बता सकती थी, और मुझे क्या पता था कि तुम भी आ जाओगे, तो मैं दो फिंगर्स क्रॉस कर ली थी। अब मुझे पाप लगेगा। संत को तूने नहीं बताया, संत को जो बताया वो मैंने बताया। ये पाप मैंने किया है, और इस पाप को भोगेगा कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु भोगेगा इस पाप को। अब जल्दी से चलो कमला भाभी के पास। क्यों? क्योंकि अब भाभी ही हमारा हथियार है। लेकिन वो क्या करेंगी? बताता हूँ, चलो। यस यस यस, ऑफ कोर्स। अरे मैं शाम को, आज ही शाम को। अरे प्रॉमिस बेबी। ठीक है, चल, बाय, लव यू। अरे कमला जी, तुलिका बैठिए ना। आप लोग यहाँ कैसे? झूठ कहे तो कहो, अभी हम ना सब जगह होते हैं, पर तुम ये बताओ कि तुम किसके साथ फोन पर लगे हुए थे? जी मैं कुछ समझा नहीं। पर हम सब समझ गए हैं, ये जो तुम कर रहे हो ना, हमारी आंखों से ना कुछ भी नहीं छुपता है। क्या कर रहा हूँ मैं? अरे हम समझ गए हैं, तुम जो ना हमारी बच्ची के साथ कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं कर रहे हो। अरे पर मैं गौरी के साथ क्या कर रहा हूँ? वो तो मेरी पार्टनर है, ऑफिस में काम करते हैं, बस डांस करना उसके साथ और क्या? नहीं नहीं भाभी, ये गौरी के साथ थोड़ी ना कुछ कर रहा है। अगर गौरी के साथ करता तो हमें थोड़ी ना प्रॉब्लम होती। हाँ तुलिका, ये डांस और काम के साथ साथ ना दो दो वाली हरकतें कर रहा है, उस टू इन वन दंत मंजन की तरह। उसे टू टाइमिंग कहते हैं भाभी, टू टाइमिंग। हाँ टू टाइमिंग। क्या कह रही हैं आप? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो मिस्टर, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, हमें सब कुछ पता है। वी नो कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और अगर तुमने मेरी फ्रेंड गौरी को हर्ट किया ना, तो मैं वो चूहे मारने वाली दवा और वो रस्सी तुम पे यूज कर दूंगी। हाँ झूठ कहे तो कहो, हम भी ना मिर्जापुरिया अंदाज में ना तुम्हें समझा देंगे। कमला जी शांत हो जाइए, तुलिका प्लीज मुझे बताएंगी क्या बात है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तुलिका, इसे ना हम समझाते हैं। तुम ना प्यार गौरी से करते हो और इश्क किसी और के साथ लड़ा रहे हो। छी छी छी, कितनी गंदी बात है। मैं गौरी से प्यार करता हूँ? नहीं नहीं, वो तो मेरी अच्छी दोस्त है, बस और क्या। झूठ कहे तो कहो। अरे दोस्ती का ना तो सिर्फ दिखावा है, असल में ना तुम गौरी से प्यार करते हो, पर बस अभी तक समझ नहीं पा रहे हो। तो मैं गौरी से प्यार करता हूँ और मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ? हाँ, वरना कोई इतनी दूर किसी को छोड़ने और पिक करने थोड़ी ना आता है। हाँ तुलिका, अरे पेट्रोल कितना महंगा है, अगर तुम गौरी से प्यार नहीं करते हो तो कोई किसी के ऊपर इतना पेट्रोल खर्च करेगा क्या? अब समझो या मत समझो, पर देखो आज के बाद ना हमने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा ना, तो फिर तुम चूहे मारने वाली दवा और रस्सी याद रखना, समझो या मत समझो। चल तुलिका, चलो बेबी। अभिमन्यु, भाभी और तुलिका आए थे ना, आपसे मिलकर गए हैं? हाँ, अपना सर पकड़ कर बैठा हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ ना। क्यों, क्या कह रहे थे? हाँ यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे पता भी नहीं। क्या? हाँ आप प्लीज मुझे पूरी बात बताइए, एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने? वेल इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू तुम्हारी भाभी और ब्रिलियंट फ्रेंड, उनको लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे इस बात का पता भी नहीं है, और साथ ही मैं डबल टाइमिंग कर रहा हूँ, टू टाइमिंग, यू नो, किसी और के साथ भी मेरा प्यार। और आपसे हो क्या क्या है मेरे परिवार वालों को? अभिमन्यु आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? मेंटल हॉस्पिटल? अब नहीं, आप चलिए तो सही, अपने आप पता चल जाएगा। आइए आइए प्लीज, जल्दी आइए। चलो इसे नहीं, किसी को तो मेरा प्यार नजर आया। सच कहे शिव, अरे हमने ना तो उसे उसकी नानी याद दिला दी, आज के बाद वो दूसरी लड़की की तरफ क्या, किसी भी लड़की की तरफ ना आग उठाकर नहीं देखेगा। सच्ची? मुझे अब तो गौरी ने क्या किया, थप्पड़ मारा उसके गाल पे? नहीं, सैंडल से मारा होगा। क्या किया शिव, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, चप्पल सैंडल एंड ऑल दैट, गौरी उसे कैसे मारेगी? क्यों, गौरी के हाथ नहीं है? गौरी के हाथ है, लेकिन उसके हाथ कोई कानून जैसे लंबे थोड़ी ना है, वो दूसरे रूम से इस रूम तक पहुंच जाएंगे। दूसरे रूम मतलब? इसके कहने का मतलब ये है ना कि गौरी अभिमन्यु के सामने नहीं थी जब हम ये बातें कर रहे थे।
माइला, मैंने क्या कहा था आपसे कि गौरी जब अभिमन्यु के सामने हो तब ये सब बात करनी है यार, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ अभिमन्यु को। अरे तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि अभिमन्यु को सबक सिखाना है और गौरी सामने होनी चाहिए, तो बोला क्यों नहीं? अरे यार खुद का दिमाग यूज नहीं कर सकती थी? दिमाग होता तो तुमसे क्यों कहते? देखो शिव, हम ये सब बातें ना गौरी को ना बताएं वही अच्छा है। झूठ कहे तो कहो, अरे उसे कितना बुरा लगेगा कि उससे जो प्यार करता वो किसी और के साथ। अरे भाभी, भाभी मुझे पता है इसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन आपके पास तो दिमाग है ना। आपका दिमाग क्यों घास चरने चला गया था तब? गौरी, अरे प्लीज रुको ना, मेरी बात तो सुनो गौरी। अब बात आगे बढ़ाने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया, तुम्हारे और मेरे बीच में बात क्लियर होगी, दैट्स इट ना। नहीं अभी मैं ऐसे कैसे मुझे किसी के भी साथ लिंक कर सकते हैं, ये सब सोचते हैं मेरे बारे में। आप बताइए, क्या मैंने आपसे कभी कहा कि मैं आपको चाहती हूँ? नहीं। क्या मेरी किसी हरकत से आपको ऐसा लगा कि मैं आपको चाहती हूँ? नहीं। फिर ऐसा कैसे सोच सकते हैं मेरे बारे में? मुझे आज ही ये सारी बात क्लियर करनी होगी, आप चलिए मेरे साथ। एक सेकंड। हेलो बेबी। यस। हाँ मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूं। हाँ मैं गौरी के घर पे हूँ, हाँ थोड़ा जरूरी काम आ गया। आप दोनों को हो क्या गया है? सुबह सुबह क्या शिव जी का प्रसाद खाया था? शिव, तुमने कौन सा प्रसाद खाया, मुझे क्यों नहीं दिया? दिया तो था पागल। तो लिखा, पहले पहले मेरी बात सुन, मैं कुछ कह रही हूँ ना, आप दोनों मुझे एम्बेरस करना कब छोड़ोगे? और अभिमन्यु के ऑफिस में क्या तमाशा करके आए हैं आप लोग? गौरी, हमने जो भी किया ना वो सब तेरी भलाई के लिए किया। तू नहीं जानती कि तेरे पीछे ना वो क्या गुल खिला रहा था। अरे भाभी, वो मेरे पीछे क्या मेरे आगे खिलाए, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? आ गए मिस्टर जेंटलमैन। देख गौरी, ऐसा है कि हम सब तेरे फ्रेंड्स हैं। हाँ, और हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। करेक्ट। देख, हम सब ये नहीं चाहते कि कोई भी तुझे हर्ट करे, तो बस इसलिए हम सब मिलके तुझे सावधान कर रहे थे। इसका मतलब मैंने सही सोचा था, तुम भी इस ड्रामे में शामिल हो। हाँ हूँ मैं शामिल। यार गौरी, मैं तेरा ख्याल रखना चाहता हूँ यार, तू नहीं जानती है ये अभी है ना, अभी। क्यों, क्या क्या किया मैंने? हाँ मुझे भी पता चले कि आखिर माजरा है क्या। तू सुनना चाहती है? सुन लेगी तू? हाँ ठीक है, सुन। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शिव, तुम कुछ भी बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ जिसने अपनी आंखों से देखा है ना उससे पूछो। किसने किसने देखा है? तुलिका बता, तुमने मुझे देखा है? क्या देखा है तुमने, बताओ मुझे। मैंने नहीं, भाभी ने देखा था। आपने मुझे देखा है किसी लड़की के साथ? नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ कहा था कि झूठ कहे तो कहो, हमने तो ना सिर्फ इन दोनों को बैठे हुए देखा था, खा रहे थे, और हम पूछने ही वाले थे कि कौन है ये? ये यही है वो लड़की। देखा, मतलब लड़की है जो तुम्हारे प्यार में यहाँ तक खींची चली आई। शट अप, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो? जिंदगी में कभी भी इतनी शर्मिंदा नहीं हूँ। पर गौरी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। पहली बात, अभिमन्यु चाहे एक लड़की के साथ घूमे या चार लड़कियों के साथ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिमन्यु सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त है, एक अच्छे डांस पार्टनर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। गौरी मैं, एक मिनट अभिमन्यु। और हाँ दूसरी बात, जिस लड़की के साथ आप अभिमन्यु का ना जाने क्या क्या समझ रहे थे, वो अभिमन्यु की दूर की कजन है, आन्या। यूएसए से आई है, पहले इंडिया में ही रहती थी, अभिमन्यु के बहुत क्लोज है, और अभिमन्यु ने उसे प्रॉमिस किया था मुंबई घुमाने के लिए, और मैं और आन्या कई बार बाहर मिल चुके हैं। आई होप कि अब आप सबकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई, और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगली बारी किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले 100 बार सोचिएगा। जब भी मैं इंडिया आती हूँ मजा आ जाता है। थैंक यू फॉर द एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच गौरी, मुझे सबके सामने डिफेंड करने के लिए। थैंक यू की क्या जरूरत है, ये आपकी लाइफ है, आप जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं, एंड
मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। पर देखा जाए तो ये लोग भी मेरा बुरा नहीं चाहते थे, बस मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, शायद इसी दोस्ती कहते हैं। तो क्या मैं भी तुम्हारे उन खास दोस्तों में शामिल हो गया हूँ या अभी मेरी सिलेक्शन होना बाकी है? आप ऑलरेडी वहाँ पर हो, अब जाइए, आज आपको आने को गेटवे ऑफ इंडिया घुमाना है। शायद तुम नहीं जानती गौरी, मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। गौरी मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ बाहर। बाय एवरीवन। शिव, तुम्हारे ये पार्टनरशिप तोड़वाने के ट्राइज खत्म हो गए या और भी कुछ बाकी है? खामोशियां बेचैनियां नादानियां।